नमस्कार, मैं हूं सृष्टि। स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। क्या अपराधियों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है राजधानी लखनऊ? जिस तरह से राजधानी लखनऊ में अपराधी रोजाना संगीन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, कहा जाता है कि अपराधियों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है लखनऊ। बुधवार की रात फिर बेखौफ बदमाश लखनऊ कमिश्नरेट के मध्य जोन अंतर्गत आलमबाग थाना क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट मालिक पर फायरिंग कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने चिकचिक होटल मालिक को दो गोलियां मार दी। सनसनीखेज घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस के आला अफसर भी वहां पहुंचकर घायल को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। इंस्पेक्टर आलमबाग ने बताया कि बुधवार रात करीब 11:45 पर चंदन नगर में चिकचिक रेस्टोरेंट के मालिक 45 वर्षीय जसविंदर सिंह रोमी को बदमाशों के द्वारा दो गोलियां मारी गई और उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। इंस्पेक्टर के अनुसार जसविंदर सिंह रोमी को दो गोलियां लगी है, उन्हें ट्रॉमा सेंटर में पहुंचा दिया गया है। आलमबाग थाना क्षेत्र के चंदन नगर में गोली चलाकर बदमाश फरार हो गए। हालांकि घटना के बाद बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पूरे लखनऊ में पुलिस को सक्रिय कर दिया गया है। फिलहाल इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। एसडीपी मध्य राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि जसविंदर सिंह को गोली मारे जाने के मामले में आपसी विवाद की बात पता चली है। उन्होंने बताया कि घायल जसविंदर सिंह की हालत खतरे से बाहर है। आज आलमबाग में रेस्टोरेंट व्यापारी की गोली मारी गई, क्या है पूरा मामला? जी, हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी, जसविंदर सिंह रोमी है, लगभग 45 ईयर्स एज, चंदन नगर आलमबाग के रहने वाले। इनका एक यहाँ एक फूड कॉर्नर है चिक चिक चिकन करके, और ये इनको किसी के द्वारा गोली मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। तुरंत उनको हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, वहाँ उनका इलाज चल रहा है और उन्होंने किसी पर संदेह भी व्यक्त किया है। यहाँ पर जो आसपास सीसीटीवी कैमरा लगे हैं और जो दुकान के सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वो भी हम लोग चेक करवा रहे हैं, और जल्दी इसमें उनसे तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाएगा और जिन लोगों ने ये घटना को पारित किया उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी होगी। कितनी गोली लगी होगी ये भी वो डॉक्टर डिटेल में डॉक्टर बता पाएंगे, लेकिन दो अभी तक हम लोग अभी हमलावर थे ऐसा कुछ प्रथम दृष्टया जांच में हमलावर सुराग मिला आपको? कितने लोग थे मारने वाले, काहे थे? एक तो अभी सीसीटीवी का हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में कि कोई जो इस गाड़ी से आए थे कितने लोग थे, वो सब चीजें क्लियर हो जाएगी। साथ ही वो लोग जिस पर शक जाहिर कर रहे हैं वो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, कोई डिस्प्यूट है या सडन प्रोवोकेशन है, वो भी समझ में आएगा। घायल की क्या स्थिति है? घायल की स्थिति अभी डॉक्टर द्वारा स्टेबल बताए जा रहे हैं, खतरे से बाहर। गोली लगी है, जिनको गोली लगी कहां पर? वो तो डॉक्टर बताएंगे, लेकिन अभी बताया जा रहा है खतरे से बाहर है। जसविंदर सिंह के द्वारा एक व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है जिसकी जांच अभी चल रही है। अपने शहर से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें जन संदेश टाइम्स के साथ। धन्यवाद।